अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर वीडियो बाय अनाया उमेर वीलॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपसे जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना लेज़र एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपको लिए चलूँगी शॉपिंग पे, डिफरेंट ब्रांड्स पे, जहाँ पे समर कलेक्शन आ चुकी है लेटेस्ट, और उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ से मुझे जो है लेज़र ट्रीटमेंट लेना है। इट्स F7 भिटाई रोड कहते हैं आई थिंक इसको, और जो MG का शोरूम है उसके बिल्कुल जो है साथ है ये वीनस एस्थेटिक क्लिनिक। मैं आपको भी बाकी की चीज़ें भी दिखाती हूँ। लेट मी गेट आउट ऑफ द कार। सो दिस इज़ द प्लेस एक्चुअली, और ये MG का शोरूम है, और साथ में उसके अरूज अजीज़ की जो है डिज़ाइनर वेयर आउटलेट भी, और साथ में ये वीनस एस्थेटिक का क्लिनिक है। सो लेट्स गो इनसाइड। तो हेयर आई एम वेटिंग फॉर माय टर्न। अभी इनकी जो 50% सेल, अप टू 50% सेल चल रही है, उसमें मुझे डिस्काउंट मिला, मतलब 4000 का पर सेशन था मेरा, तो वो 3200 में हो गया पर सेशन दिस टाइम। तो नेक्स्ट टाइम का मुझे पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ होता ही है कि आपका जो पैकेज है, इफ़ यू टेक लाइक 4 सेशंस का पैकेज ले लेते हैं, दैट विल कॉस्ट यू 12,000। अदरवाइज़ वो 16,000 का होता है, तो 4,000 डिस्काउंट मिल जाता है उसमें, अगर आप एट अ टाइम पे करते हैं। तो ये इनका है, बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ डिटेल्स बताती जाती हूँ। इंडिया का कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि आपके बालों को 200% जो है बिल्कुल ख़त्म कर दे। रीग्रोथ होनी ही होनी होती है, बट आप इस प्रोसीजर को जो है डिले कर सकते हैं। लाइक आप अगर थ्रेडिंग करते हैं वीक में 2 से 3 दफ़ा, आपको लेज़र ट्रीटमेंट के बाद ये होगा कि ये जो आपका मेथड है थ्रेडिंग का, वैक्सिंग का, ये जो है डिले हो जाएगा। लाइक मैंने 7 सेशन अब तक ले लिए, और अब मुझे मंथली भी वो इवन फेशियल जो हेयर लेज़र रिमूवर होते हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से विद टाइम ये डिले हो जाता है। और जो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी प्रॉपर जो है स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक से ही कांटेक्ट करें इस प्रोसीजर के लिए। किसी एरे गैरे नेथो गैरे के पास मत चले जाएं, वो आपकी जो स्किन टाइप देख के, आपकी हेयर ग्रोथ देख के, सारा जो है उस हिसाब से आपको जो है डिटेल्स देगा कि आपने कितने टाइम तक आपने सेशंस लेने हैं, और फिर आप इसको मेंटेनेंस सेशन कितने टाइम के बाद लेंगे। इस ट्रीटमेंट के बाद आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस करनी पड़ती है, आइसिंग करनी होती है, डिपेंड्स कि आपकी कितनी रेडनेस हुई है, और वो तमाम चीज़ें। उसके अलावा आपको प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना होता है, सन एक्सपोजर से अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाएं, 1-2 दिन के लिए सन ब्लॉक का यूज़ जो है वो बढ़ा दें। दैट्स ऑल फॉर माई लेज़र। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी करनी है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई एम डन विद माई सेशन। ये रेडनेस जो आपको स्किन पर नज़र आ रही है, ये तो होती ही होती है रेज़र के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली एक हीटिंग प्रोसीजर से गुजरा है, आपके जो है हेयर रिमूव हुए हैं, इवन आप वैक्स करें या थ्रेड करें तब भी आपको ये रेडनेस होती है। बस इसमें प्रिकॉशन ये लेनी होती है ट्रीटमेंट के बाद कि थोड़ा आप सनब्लॉक का यूज़ एक्स्ट्रा कर दें, मतलब लाइक मैं अभी निकली हूँ तो सनब्लॉक लगा के अपनी फेस पे फिर बाहर आई हूँ, थोड़ा उस दिन के लिए अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट को। दैट्स इट। अभी मैं जा रही हूँ इस ट्रीटमेंट के बाद नाउ एक कॉफ़ी पीने के लिए, बिकॉज आई लव टू हैव कॉफ़ी। आई थिंक आपको कभी कभी अपने साथ जो है ना टाइम गुजारना चाहिए, और मेरे पास ये थोड़ा सा बीच में जो टाइम स्लॉट मिलता है मुझे ड्यूरिंग, लाइक मैं किसी काम के लिए निकली हुई हूँ या किसी भी चीज़ के लिए अगर 10-15 मिनट लगते हैं तो आई लव वुड I'm here at the coffee bean and the tea leaf, one of the most favorite coffee spot in Islamabad. Thames Horton भी खुल गया है उधर, अभी तक मेरा विजिट नहीं हो सका और अभी उधर जाने का टाइम नहीं था। आई एम गेटिंग लेट, मुझे अपने बच्चे भी पिक करने हैं अभी, सो आई एम हेयर। यहाँ से लेते हैं एक कोल्ड कॉफ़ी, मज़े की इन्जॉय करते हैं कॉफ़ी, टेक अवे करूँगी अभी, बैठ के पीने का टाइम नहीं बचा। इधर चीज़ केक कैफे भी खुला है ब्रेकफास्ट लंच के साथ, सो गोना ट्राई सम टाइम इंशाल्लाह। लेट्स गो इनसाइड।
सो हेयर इज़ माई कॉफ़ी। इस दफ़ा इनका बैरी ट्राई और एक न्यू फ्लेवर आया था, आई थॉट के बैरी का फ्लेवर तो है बट कॉफ़ी भी बीच में इंक्लूड होगी, तो मैं आई शुड नॉट ट्राई दिस। तो बस निकल रहे हैं अभी। Day two. अब जो बाकी का आप वीडियो देख रहे हैं वो सारी है शॉपिंग की। शॉपिंग में क्या किया मैंने, मैं गई थी सफ़ायर पे, मुझे कुछ गिफ्ट्स लेने थे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो मैं इनकी, क्योंकि इंटरमैक्स समर कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है, तो आई थॉट कि मैं उसमें से ही ना लेटेस्ट प्रिंट्स लूँ। तो मुझे यहाँ पे इनकी प्रेड कलेक्शन नज़र आई, जो कि मुझे बहुत ही फ्लोरल और बहुत ही फ्रेश कलर्स नज़र आए, क्योंकि समर्स में ना आपको इस तरह के फ्लोरल प्रिंट्स और जो है फ्रेश कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इनकी प्राइस रेंज भी बहुत रिजनेबल थी, लाइक 2990s की शर्ट्स थी, कुछ 2390 की थी, इस तरह से इनके रेट स्टार्ट हो रहे थे। मुझे ये ग्रीन वाला आउटफिट तो बहुत ही क्लास का लगा, आई वाज थिंकिंग मैं इसको ले लूं, बट इन वो एक जो अंदर कीड़ा होता है ना कि पूरा स्टोर पहले विजिट कर लेंगे देन बाय। फ्लोरल एडिशन में इनके जो हैं कपड़े इस कुछ इस तरह के आए हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है, स्मॉल साइज़ है ये तो, और इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 2250। टू मतलब आप राउंड में कर रहे हैं तो 2300 हो जाएगी, 2500। 90 विद टैक्स है, और ये सारे प्रिंट्स इसमें अवेलेबल हैं। मुझे सबसे मज़े का ये वाला ग्रीन आर्टिकल लगा है इसमें, सेपरेट अवेलेबल है ट्राउज़र भी और शर्ट। 2590 2600 की शर्ट्स हैं और सेम गोज़ फॉर ट्राउज़र। अब इनकी जो न्यू कलेक्शन लॉन्च हुई है अनस्टिच, मुझे वो देखनी है, उस तरफ चलते हैं। ग्रीन कलर एक ये है, काफ़ी अच्छे फ्लोरल प्रिंट्स आए हैं इस दफ़ा। ये जो है अनस्टिच कलेक्शन है, सारी फ्लोरल एडिशन है, ये टू पीस में है ये, और इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 2790। 2590 में दिस वन, और इसमें एम्ब्रॉयडर्ड पैच है स्लीव्स का और नेकलाइन का। मुझे जो है ना इनके, मैंने क्योंकि एड में देखे थे कि ये बहुत पसंद आया था, दिस येलो वन, दिस इज ऑफ 4990। टू पीस है सिल्क सूट, ये बेसिकली सिल्क है, फैब्रिक इसका जो है ना वो सिल्क है, नॉट कॉटन और कैम्ब्रिक, दिस इज सिल्क। और ये जो है फैब्रिक इसका कैम्ब्रिक का है, मतलब मिक्स कलेक्शन है, कुछ सिल्क में है कुछ कैम्ब्रिक में है, इस तरह से ये सारी की सारी इनकी कलेक्शन, और प्राइस भी वेरी कर रही है हर डिज़ाइन के हिसाब से। देन दिस एक चीता प्रिंट इन्होंने इस दफ़ा न्यू कलेक्शन में दिया है, और साथ में नीचे पिंक वाला भी, इट्स ब्यूटीफुल। तो मुझे सारे ही प्रिंट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सारे ही ले लिए जाए। ये ब्लैक एंड वाइट है मिनिमल, ये कैम्ब्रिक की, इसकी जो प्रिंटेड शर्ट है डार्क कैम्ब्रिक ट्राउज़र है, और 2790 इसकी प्राइस है ब्लैक एंड वाइट की। तो नीचे वाला है ग्रीन वाला, दिस वन इज़ 2790, प्रिंटेड कैम्ब्रिक की शर्ट है अगेन, और प्रिंटेड कैम्ब्रिक का ही ट्राउज़र है। तो ये सारी जो है वो न्यू कलेक्शन आई है, दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस। ये है 4590 में, और ये इस तरह से है, और ये सारा प्रिंट है, लेकिन आप इसको देखें ना, प्रिंट एंड एम्ब्रॉयडरी मिक्स है, ये जो बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये सारे एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये बाकी जो है वो सारा प्रिंट में है, नाइस। और ये भी ऊपर वाला जो सूट देखें, इसका ट्राउज़र पे जो फ्लावर बना हुआ है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मतलब नॉर्मल से हट के है ये, और प्राइस इसकी है 2993,000। मैं जा रही थी और मेरी नज़र इस ब्लैक एंड वाइट शर्ट पे पड़ी, जो गेम बहुत ही खूबसूरत लग रही है, गले इसका नेकलाइन जो है एम्ब्रॉयडर्ड है, इस तरह से छोटी सी एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगी हुई है, स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड है, लॉन्ग शर्ट है, ए लाइन शर्ट।
इसके साथ दुपट्टा भी मैच करके इन्होंने लगाया हुआ है। ब्लैक ट्राउज़र के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं, या फिर इसका ट्राउज़र नहीं है। सो कपड़े मैंने देख लिए। अब मेरा जो दिल था कि वो थोड़े से जूते एक्सेसरीज को जो है वो भी मैं चेक कर लूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में एक वेडिंग इवेंट भी आ रहा है, और साथ साथ जो है ना मुझे समर्स के लिए भी कुछ जो है एक्सेसरीज़ लाइक शूज़ और हैंड बैग्स और इस तरह की चीज़ें लेनी थी। और बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी अलमास पे। अलमास का ये है कि आपको यहाँ ना बहुत सारे ब्रांड्स के ड्यूप्स मिल जाते हैं शूज़ में, हैंड बैग्स में, और इवन जो इनका जैकेट्स होती हैं विंटर स्टफ में, जैकेट्स और इनके जो कोऑर्ड्स वगैरह, इस तरह की बहुत अच्छी वेराइटी इनके पास अवेलेबल थी। और बहुत सारे स्टॉक पे सेल भी लगी हुई थी। लाइक आप ये गोल्डन शूज़ देखें, ब्लैक शूज़ देखें, ये बहुत ही जो है ना अच्छे लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा जो हल्का सा फॉर्मल में जा रहे हैं, आपके कोई फैमिली में दावत है, डिनर है, तो इस तरह के विंटर्स में स्किन सॉक्स के साथ आप ये शूज़ कैरी करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके अलावा इनके पास स्कार्फ्स की और स्टोल्स की भी बहुत अच्छी वेराइटी अवेलेबल थी, और इनके काफ़ी सारी चीज़ों पर ऑफ भी लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई थी। स्टोल्स तो मुझे इनके अच्छे लगे ही लगे, लेकिन इन सबसे मज़े के ना इनके मुझे एक और सेट्स जो मैं भी आपको आगे दिखा लाइक सेम ट्राउज़र सेम शर्ट, शॉर्ट शर्ट में और बेल बॉटम ट्राउज़र्स में, साथ में जो है वो थोड़ा विंटर स्टफ था, मतलब लाइक जर्सी टाइप नहीं होता कपड़ा, उस तरह का था। और इनके ये जो वॉर्म जैकेट्स हैं ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखने में जितनी वॉर्म लग रही हैं, इसको मैंने चेक किया था, ये पहन के भी आपको उतनी ही गर्माइश देंगी। बहरहाल जो जैकेट मैंने लेनी थी वो यहाँ से ले ली, अपनी नई उमर के लिए आई थी मैं शॉपिंग करने बेसिकली, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये तमाम सी चीज़ें शेयर की जाएँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों की मैं तलाश में होती हूँ कि आपके साथ कोई ना कोई शॉपिंग सीरीज जो है ना वो शेयर करती रहूँ। इन कोऑर्ड्स की बात कर रही हूँ, जो कि अगर आप सादिया, मैंने ऑनलाइन इस तरह के कोऑर्ड्स जो है ना वो सादिया असद की वेबसाइट पर देखे थे, आपको मैं साथ पिक्चर भी अटैच कर रही हूँ। 15,500 में ये विदाउट सेल मिल रहे थे। अभी फ़िलहाल भी उनकी वेबसाइट पर ऐसा कोई सेल नहीं है, बट इधर ये 7,000-8,000 में मिल रहे थे, और की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। सो इसके बाद मुझे थोड़ा सा ना सेमी फॉर्मल टाइप वेडिंग कलेक्शन भी देखनी थी, तो मैं बाय चांस गुल अहमद विज़िट करने जा रही थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा ना एक मेहंदी के लिहाज से ये आउटफिट नज़र आया, और ये बहुत ना हैवी था और ना बहुत ही लाइट था, मतलब आप इसको जो है मेहंदी के इवेंट पे, माइयों के इवेंट पे आराम से पहन सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में आपके लिए कैप्चर किया है। अनरखा स्टाइल ये ड्रेस था, फ्लोर लेंथ की इसकी जो है ये फ्रॉक है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़े का था, पिंक कलर का इसके साथ दुपट्टा था, एंड मतलब नीचे दामन पे अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, नेक लाइन पे आपकी जो फ्रंट होता है जो बॉडी उस पर अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और आप देख सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन, इसका काम, एवरी थिंग इज़ वेरी गुड, और दुपट्टा भी इसके साथ बहुत ही मज़े का टू टोन्स में था। तो आई एम थिंकिंग कि मैं मेहंदी के इवेंट के लिए ये खरीद लूँ। आपकी क्या सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये पर्सनली आउटफिट बहुत अच्छा लगा। इसकी प्राइस मैंने नहीं देखी, बट आई एम थिंकिंग कि मैं दोबारा विज़िट करके जो है ना इसको बाय कर लिया जाए। आई डोंट लाइक प्रॉन्स एट ऑल। और बाकी के लिए हमारा खाना खाना इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपसे मिलने का अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर चाहिए, अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।